हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे भी कर रहे होंगे। चलिए हम काम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने पिछला काम जो किया था, अगर आपको याद हो तो हमने वेव ऑप्टिक्स खत्म किया था, पोलराइजेशन का टॉपिक किया था। और अब जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी एंड कैपेसिटेंस। ये पूरा चैप्टर है कंबाइंडली, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये एक चैप्टर है। तो इसमें हम वन बाय वन चर्चा करेंगे, पार्ट बाय पार्ट। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। आज का हमारा पूरा लेक्चर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अगला लेक्चर हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, और फिर हम लोग पहुंचेंगे कैपेसिटेंस पे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपसे जरूर बता दूं कि अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को स्किप करके, इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रीवियस पार्ट्स को स्किप करके सोचे कि मैं कैपेसिटेंस पढ़ सकूं, इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर वन, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपने पढ़ा हुआ है वो साथ के साथ ये चैप्टर, इसके बाद कैपेसिटेंस, कैपेसिटर बहुत आसान हो जाता है समझने के लिए, उसके क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं समझने के लिए, कंसेप्ट बहुत आसान हो जाता है जिसका पीछे का ये दोनों पार्ट क्लियर है। तो इसलिए आप यहां से बहुत आसानी से ध्यान से समझते जाएंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे और हम उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का। नाम मेरा संजीव कुमार झा, चैनल है मेन मेंटलिस्ट, और टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में आज बात नहीं की जाएगी, ठीक है? तो एक बात अगर आपको याद हो तो क्लास 11th में आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको याद हो तो आपने खूब सारा वहां चर्चा किया है। यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक, पहले तो मैं एक ही लाइन में चैप्टर खत्म कर दूं आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में जो कुछ भी है वो पूरा का पूरा यही है जो आपने क्लास 11th के ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है। इसके अलावा यहां से अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है? अब क्या पढ़ा था सर, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बता देता हूं, यही साथ के साथ आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्लियर हो जाएगा, या फिर अगर ये क्लियर है तो ये भी क्लियर हो जाएगा, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं आप, ठीक है? सब कुछ आप देखेंगे वैसा का वैसा ही रहता है ना, बस टर्मिनोलॉजी बदल जाते हैं, ठीक है? तो क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? हम सबसे पहले जो चर्चा कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं सिस्टम ऑफ टू चार्ज के लिए। किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? सिस्टम ऑफ टू चार्ज के लिए करेंगे। क्या होता है सिस्टम ऑफ टू चार्ज में? तो स्टार्ट करने से पहले कुछ एजम्पशंस हैं जिसको हम पहले यहां लिख लेंगे। कुछ एजम्पशंस हैं, वो यहां पर नहीं दिख रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं। कुछ एजम्पशन है जिसको हम याद रखेंगे, और इसको एजम्पशन नहीं, इसको आप ये रूल मानिए, ये एजम्पशन नहीं, रूल है। क्या क्या रूल है? सबसे पहला कि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट इंफिनिटी। मतलब क्या हुआ? यहां पे अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी किसका, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज, ऑफ एनी चार्ज इज जीरो एट इंफिनिटी। क्या मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि ये इंफिनिटी पोजीशन है, तो यहां पे जो भी चार्जेज होंगे ना, यहां पे जो भी चार्ज होगा इन सब का पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। कितना होगा इनका पोटेंशियल एनर्जी? जीरो। कोई सारे चार्ज है, डज नॉट मैटर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन अगर वो इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो वो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना जाएगा, ठीक है? यह रेफरेंस पॉइंट हो गया पहली बात। चलिए जैसे आप ग्रेविटेशन में याद कीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जीरो मानते थे, याद है? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, ऐसा हम मानते थे, जबकि होता नहीं है, ठीक है? दूसरा एजम्पशन क्या है कि इनफाइनाइट चार्जेज आर अवेलेबल, इनफाइनाइट चार्जेज आर अवेलेबल एट इंफिनिटी। मतलब क्या हुआ? ये जो इंफिनिटी पोजीशन है ना, यहां से मुझे जितना चार्ज चाहिए मैं ले सकता हूं। यहां पे बहुत सारा चार्ज अवेलेबल है, Q1, Q2, Q3, Q4, बहुत सारा, Qn। इंफिनिटी से मैं कभी भी चार्ज उठा सकता हूं, मुझे कोई एट
इनफाइनाइट चार्जेज आर अवेलेबल एट इंफिनिटी विदाउट एनी डूइंग वर्क, विदाउट डूइंग एनी वर्क। क्यों भाई, क्या मतलब हुआ इसका? देखिए ये टर्म्स छोटी छोटी चीजें समझना बहुत आसान होता है और ये सब पॉइंट्स अगर याद रहते हैं ना तो बाद में बहुत सपोर्टिव हो जाता है। ये अवेलेबल एट इंफिनिटी विदाउट डूइंग एनी वर्क का मतलब हुआ कि इंफिनिटी से अगर मुझे कोई चार्ज लेना है ना तो मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि मान लीजिए ये इंफिनिटी है और यहां से मुझे एक चार्ज लेना है तो मैं इसको ऐसा उठाऊंगा, तो भाई अगर मैं किसी से कुछ, ये जो मैंने उठाया तो उसने कुछ वर्क डन किया ना। वही मैं कह रहा हूं कि अगर इंफिनिटी से मैंने इसको उठाया तो मैंने कोई वर्क डन नहीं किया। मतलब क्या हुआ इसको ऐसे और समझ लीजिए कि मान लेते हैं इंफिनिटी पोजिशन है, यहां पे एक क्यू चार्ज है और इस क्यू चार्ज को उठा के मैं इस पी पॉइंट पे लाना चाहता हूं, तो मैंने इसको उठा के यहां रख दिया, ये क्यू यहां आ गया, तो इस क्यू को यहां से यहां तक लाने में भाई वर्क डन होना चाहिए भाई, रूल जो अपन जानते हैं। मैंने कोई वर्क डन नहीं किया है, नो वर्क डन। इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट चार्जेस आर अवेलेबल एट इंफिनिटी विदाउट डूइंग एनी वर्क। ये अपने को याद रखना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक और चीज थोड़ा सा इसी में, एक और पॉइंट देख लीजिए, तीसरा पॉइंट कि वी कैन ओनली टेक वन चार्ज एट वन टाइम। क्या मतलब हुआ इसका कि ये इंफिनिटी पे तो बहुत सारा चार्ज है, इंफिनिटी पे बहुत सारा चार्ज है, लेकिन एक बार में मैं एक ही चार्ज ले सकता हूं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारा एक बार में उठा के लेके चला जाऊं, नॉट पॉसिबल। हमको एक बार में एक ही चार्ज लेना पड़ेगा, ये भी अपने को याद रखना है। ठीक है ये चीज, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये तीन बातें आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं फिर से यहां पर सिस्टम ऑफ टू चार्ज। अभी हम सिस्टम ऑफ टू चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। मैं मान लेता हूं इस पॉइंट को यहां पे मैंने इन्फिनिटी मान लिया है, मान लेते हैं ये मेरा इन्फिनिटी है और यहां पे मेरे पास Q1, Q2, Q3, Q4 बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए हैं, जब जरूरत पड़ेगी वहां से हम उठा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक चार्ज उठाया Q1 चार्ज, तो मैं Q1 यहां से यहां लेके आया, इस Q1 को यहां से यहां लेके आया, है कि नहीं है? ठीक है, क्या मुझे कोई वर्क डन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क डन अगर नहीं करना पड़ेगा तो Q1 को लाने के लिए अगर मैं वर्क डन 1 मान लूं तो क्या फर्स्ट का वर्क डन 0 होगा? ऑब्वियसली बात है 0 होगा, बिल्कुल। अभी हम वर्क डन की बात कर रहे हैं। देखिए अगर जब मैंने क्या बोला कि इन्फिनिटी पे विदाउट एनी डूइंग वर्क, विदाउट एनी वर्क डन, बिना कोई काम का मैं यहां से एक चार्ज तो यहां ला ही सकता हूं, तो ले आया। ठीक है, अब मैंने एक और चार्ज उठाया Q2, अब उसको लेके मैं आ रहा हूं और इसको यहां रख दिया मैंने, ये यहां पे था Q1, ये मेरा Q1 है और यहां पे मैं लेके आ गया किसको? Q2 को, ये Q2 को लेके आ गया। क्या मुझे कोई वर्क डन करना पड़ेगा? सोचने की बात है कि भाई इंफिनिटी से मुझे चार्ज लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब जब मैं इस चार्ज और ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि आर मान लेते हैं, आर मान लीजिए, आर को डिस्टेंस पे लाके रख दिया, तो क्या हुआ ये दोनों मिलके एक सिस्टम बना कि नहीं बना? सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की हम बात कर रहे थे, क्या ये दोनों मिलके एक सिस्टम बनाया कि नहीं बनाया? और इस सिस्टम को बनाने में मुझे जितना वर्क डन करना पड़ा, ध्यान से सुनिएगा, इस सिस्टम को बनाने में मुझे जितना वर्क डन करना पड़ा है, क्या वही इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा? फिर से, मुझे इस सिस्टम को बनाने में जितना वर्क डन करना पड़ा है, क्या वही वर्क डन इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा? इस चार्ज का या इस चार्ज की हम बात नहीं कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का होता है क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट होता है, वहां पे रेफरेंस में हम चर्चा करते हैं। क्लास 11th में अगर वर्क पावर एनर्जी आपने पढ़ा हुआ है तो वहां आपने बहुत डिस्कशन इस पे किया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पोटेंशियल एनर्जी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, पहली बात। और ये सिस्टम की हम बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है, यहां पे ना तो इस चार्ज की बात कर रहे हैं ना ही इस चार्ज की बात कर रहे हैं, इस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। समझे इस बात को? ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, इसको लाने में वर्क डन 0 करना पड़ा, क्या दूसरे वाले को लाने में वर्क डन 2 अगर बोल दूं तो क्या ये भी 0 होगा? नहीं, ये 0 नहीं होगा, क्योंकि इस सिस्टम में जब मैं सिस्टम में ला रहा था
अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है क्यू वन चार्ज है, वो इसको रिपेल करेगा, राइट। ये क्यू वन इस क्यू टू को रिपेल करेगा, यहां रखने नहीं देगा भाई, इन्फिनिटी पे तो है, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं इसको यहां से मैंने यहां लाने की कोशिश की, इसने रिपेल करना शुरू कर दिया, यहां और मैंने कुछ वर्क डन किया, यहां लेके आया, फिर से और रिपेल कर रहा है, और कोशिश कर रहा है, और मैंने कुछ वर्क डन किया, यहां लेके आया, और वर्क डन किया, करते करते मैं यहां तक लेके आया। तो चूंकि ये इसको रिपेल कर रहा है, तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, है कि नहीं है, इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में करना पड़ेगा। तो ये जो इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर यहां तक लाने में जो मैंने काम किया है, वही हमारा इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। समझ गए? अब कैसे होगा देखिए, अब ये वर्क डन जीरो नहीं हुआ, समझ में आ गया? तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ सिस्टम का? तो डेरिवेशन के लिए हम चलते हैं यहां से। मान लेते हैं कि ये पॉइंट मेरा यहां से इंफिनिटी, ये पॉइंट हमारा इंफिनिटी, यहीं से मैं चार्ज लेके आ रहा था। तो हमने क्या करना है, मैं यहां से यहां तक क्या कांस्टेंट वर्क डन किया है? नहीं, वर्क डन कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट वर्क डन कांस्टेंट फोर्स से होता है। तो अगर मुझे वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दूं मैं यहां से, तो क्या ये सही हो जाएगा? जी नहीं, ये नहीं होगा, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के लिए। किसके लिए होता है ये? कांस्टेंट फोर्स के लिए। जबकि यहां जो मेरा फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है। क्यों? क्योंकि यहां जो फोर्स है वो कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, मतलब आर पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस आर बदलता है, अभी मैं यहां पे था, आर अलग था, यहां आ गया, आर चेंज चेंज चेंज, जैसे जैसे आर चेंज होगा क्या वैसा वैसा हमारा फोर्स बदलता जाएगा। मतलब फोर्स कौन सा यहां पे है? वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालने का तरीका आपको क्लास 11th में पता होगा, आपने पढ़ा होगा। क्या है हमारा इंटीग्रेशन मेथड? क्या इंटीग्रेशन मेथड? कि मान लेते हैं इन पाथ कहीं यहां पे छोटा सा डिस्टेंस, ये छोटा सा डिस्टेंस dx मान लेते हैं, जिसका यहां से डिस्टेंस क्या है? कुछ x है। कितना है इसका? x डिस्टेंस है। मतलब जब मैं इस चार्ज से x डिस्टेंस पे था, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx करने में कितना वर्क डन करना पड़ा, ये हम निकाल लेते हैं। ठीक, कैसे होगा वर्क डन हमारा? वो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो चलिए वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट ds करते हैं। क्या होगा हमारा? स्मॉल की बात कर रहे हैं यहां पे, और इतने से डिस्टेंस में फोर्स कांस्टेंट ही रहेगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू स्मॉल वर्क डन, dw इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ डॉट dx। कोई कंफ्यूजन? एफ कितना है हमारा? के क्यू वन क्यू टू बाई, अभी डिस्टेंस कितना है? x स्क्वायर इंटू dx। नहीं आया समझ में? अब ये वर्क डन तो हमने इतने से के लिए निकाला, मतलब इतना सा डिस्प्लेसमेंट करने में ये वर्क डन करना पड़ा। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? अगर आपको दिख रहा होगा तो टोटल वर्क डन की अगर हम बात करें, तो कहां से कहां तक मैं लेके आया? यहां से चलना शुरू किया और यहां पहुंच गया। तो ये डिस्टेंस कितना था? इंफिनिटी से शुरू किया, चलते 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 कहां? ये आर पे पहुंच गया। ठीक है, तो टोटल वर्क डन जो होगा वो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। एफ कितना था मेरे पास? या चलिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। देखिए लिमिटिंग इंटीग्रल है ये, क्योंकि एक लिमिट है, हम कहां से चलना शुरू किया, कहां पहुंच रहे, लिमिटिंग इंटीग्रल है हमारा ये। तो इंफिनिटी टू आर पहुंच गए हम लोग, और ये क्या हो जाएगा हमारा? चूंकि टोटल वर्क डन है, तो ये dw का इंटीग्रेशन वर्क डन, टोटल वर्क डन। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स k q1 q2 बाय x स्क्वायर, ये k q1 q2 तो बाहर आ जाएगा, k q1 q2 तो बाहर आ गया हमारा। अब इंटीग्रेशन ऑफ कितना? 1 बाय x स्क्वायर dx, dx। देखिए वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन सब का इंटीग्रेशन आता है, मैं ही अभी स्टेप बाय स्टेप कर देता हूं, लेकिन आपको आना चाहिए सब। अब ये इस सब इतना टाइम नहीं लगाना पड़ चाहिए, सब डेरिवेशन में तुरंत ही कर दीजिए। एक्स स्क्वायर को हम क्या पावर माइनस टू लिख सकते हैं? मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं अभी आपके लिए, बट आगे से ध्यान रखेंगे। के क्यू वन क्यू टू एंड इंटीग्रेशन कहां से कहां था? इंफिनिटी टू आर के लिए। तो क्या हो जाएगा यहां से हमारे पास? वर्क डन इज इक्वल टू, आपको दिख रहा है क्या? अच्छा मैं इस पार्ट को रब कर देता हूं, आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, मैं रब कर देता हूं, इसको कॉपी करके रखना है। चलिए
तो क्या हो जाएगा यहां से, वर्क डन इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू, ये तो कॉन्स्टेंट है, और एक्स स्क्वायर को वन बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन में कहां से कहां तक, x की पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस टू प्लस वन, यही होता है, डिवाइड बाई माइनस टू प्लस वन यही होता है, और लिमिट कहां से कहां तक है, इंफिनिटी टू r के लिए, ठीक है। चीज सॉल्व कीजिए, यहां से माइनस वन बाहर ले लेते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस के क्यू वन क्यू टू, के क्यू वन क्यू टू, और यहां पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो वन बाई एक्स इंफिनिटी टू आर। और सॉल्व कर दीजिए, वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू वन क्यू टू, क्या अपर लिमिट इज आर, तो वन बाई आर माइनस वन बाई इंफिनिटी, वन बाई इंफिनिटी गोज फॉर जीरो, आपको पता है ये क्या होता है जीरो, तो ये जीरो, तो रिजल्ट क्या बन गया हमारा, वर्क डन इक्वल टू माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई आर, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया हमारा ये फॉर्मूला। अगर मैं इसी को बोलता कि इस सिस्टम का चार्ज बोलिए, नेट पोटेंशियल एनर्जी बोलिए, तो ये वर्क डन, इतना वर्क डन मुझे करना पड़ा है क्या करने में, इस सिस्टम को बनाने में, इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में इतना वर्क डन करना पड़ा, इसको लाने में मुझे वर्क डन जीरो करना पड़ा था। देखिए मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो ये वर्क डन इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में करना पड़ा हमको, है कि नहीं है, ये इंफिनिटी से उठा के यहां तक लाने में करना पड़ा, कौन सा वर्क डन, ये वाला वर्क डन, इसको लाने के लिए वर्क डन वन कितना था जीरो, तो टोटल वर्क डन यही हुआ कि नहीं हुआ, समझे इस बात को। अब यहां पे इस माइनस साइन का एक सिग्निफिकेंस है, माइनस साइन का यहां पे आप कहेंगे अच्छा ये जो हम वर्क डन करते हैं क्या वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, क्या वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, बिल्कुल। तो K Q1 Q2 by R, और आपको K का वैल्यू पता है 1 by 4 pi epsilon naught, याद है ना K का वैल्यू, या फिर 9 into 10 to the power 9, याद है ना, Q1 Q2 by R is equals to potential energy, sine is minus, ठीक है, minus sine, और अगर मैं यहां पे मोड लगा दूं, अगर मैं इसको मोड लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वर्क डन पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में आएगा, आप कहेंगे सर वर्क डन नेगेटिव आ गया, तो ये माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या है, यहां पे हम जो Q1 Q2 लेते हैं ये विद चार्ज साइन लेते हैं, यहां पे क्या करेंगे, इसका पहली बात समझ रहे क्या हुआ कि Q1 Q2 को हमको विद साइन लेना है, प्लस या माइनस, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए समझने के लिए कि सपोज कीजिए, मैं यहां बता रहा हूं छोटी सी बात है, बस छोटा सा बात, देखिए मान लीजिए मैं यहां से माइनस क्यू चार्ज और यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, तो ये तो दोनों आपस में से अट्रैक्ट करेगा, तो मुझे वर्क डन इधर की तरफ करना पड़ेगा, मुझे वर्क डन इधर की तरफ करना पड़ेगा, तो भाई नेगेटिव वर्क डन और पॉजिटिव वर्क डन का केस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इधर और वर्क डन इधर कर रहे हैं, मतलब ये इधर आना चाहता है लेकिन हमको इधर लगाना पड़ेगा फोर्स, तो कैसा हो गया ये, यहां पर कैसा हो जाएगा पॉजिटिव वर्क डन, मतलब ये साइन जो है, आई मीन यहां पर क्या बेसिक बात है, ये साइन आपको हमारा ये शो करता है कि हमारा जो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंफिनिटी पे जीरो होगा, इंफिनिटी पे कैसा हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और यही ग्रेविटी में भी होता था, यही क्या होता था हमारा ग्रेविटेशन में भी होता था, और अकॉर्डिंग टू द चार्जेस जो भी चार्ज हम यूज करेंगे उसके हिसाब से आपका साइन यहां कन्वर्ट होगा, और वो आपको पता चलेगा कि वो अट्रैक्शन एनर्जी मतलब अट्रैक्ट कर रहा है या फिर रिपेल कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स वहां काम कर रहा था या फिर अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा था, ये अपने को पता चल जाएगा, समझे इस बात को। अगर फोर्स भी इधर लग रहा है और भाई जा भी इधर ही रहे तो कैसा हो जाएगा हमारा, भाई इससे पॉजिटिव वर्क डन आना चाहिए, तो अभी जो बताया ना जैसे माइनस क्यू प्लस क्यू, देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू, फोर्स भी इधर लग रहा है चार्ज आ भी इधर ही रहा है तो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए वर्क डन की नहीं होना चाहिए, समझिए। चलिए मैं बताता हूं इस बात को थोड़ा सा और डीपली, ये आपने कॉपी कर लिया होगा, आई होप ये आपने कॉपी कर लिया होगा। चलिए सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन देखिए, जैसे मान लीजिए माइनस क्यू और प्लस क्यू है इस सिस्टम की बात करेंगे तो क्या बनेगा, के Q1 Q2, ये Q1 मानते हैं Q2, के Q1 Q2 अपॉन R, और माइनस पहले से था और इसका माइनस क्या प्लस हुआ कि नहीं हुआ, देखिए इसका माइनस और ये पहले वाला माइनस मिलके प्लस हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब ये पॉजिटिव आया, मतलब क्या हो रहा है कि पॉजिटिव वर्क डन, और पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या, इधर ही फोर्स इधर ही डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए तो इधर ही फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या इधर ही डिस्प्लेसमेंट भी होगा, बिल्कुल होगा, अट्रैक्टिव फोर्स है यहां पर, है कि नहीं है। अच्छा यहां पे आप प्लस साइन, ये यहां पे भी प्लस, यहां पे भी प्लस ले लीजिए, अब देखिए क्या होगा, तो माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, आई मीन सॉरी आर होगा फॉर्मूला,
साइन दोनों प्लस है तो ये नेगेटिव हुआ, मतलब वर्क डन कैसा हो गया, नेगेटिव। वर्क डन कैसा हो गया हमारा यहाँ पे, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए क्या फोर्स इधर लग रहा है, क्या फोर्स इधर लग रहा है बिल्कुल, और क्या इसको इन्फिनिटी से मैं इधर की तरफ लेके आया, आया कि नहीं आया, फोर्स ये लग रहा था, लग रहा है, और क्या मैं इन्फिनिटी से इसको इधर की तरफ लेके आया हूं, बिल्कुल लेके आया हूं। तो कैसा होना चाहिए वर्क डन, नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव आ गया। देखिए तो ये सिग्निफिकेंस है इस नेगेटिव साइन का, कि हम कौन सा कर रहे हैं, फोर्स की तरफ जा रहे हैं, फोर्स के अपोजिट जा रहे हैं, ये हमारा होता है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा अब चूंकि सुनिए, अब इसी एनर्जी की वजह से ये सिस्टम रुका हुआ है भाई, इसी एनर्जी की वजह से तो ये सिस्टम बना। इस एनर्जी को मैं डिस्टर्ब कर दूंगा, सिस्टम का अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, इस अरेंजमेंट का ये एनर्जी, तो इसीलिए इस एनर्जी का नाम इंट्रैक्शन एनर्जी भी कहते हैं, इंट्रैक्शन एनर्जी, क्योंकि इसी एनर्जी की वजह से इंट्रैक्टेड है ये सिस्टम हमारा, इसलिए इसको हम लोग पोटेंशियल इंट्रैक्शन एनर्जी भी कहते हैं। समझ गए इस बात को यहां तक, बहुत अच्छी बात है, इसको आप कॉपी कर लीजिए और फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कुछ और डिस्कशन करते हैं इस पे। चलिए तो आप समझ गए डेरिवेशन क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, क्या पढ़ा हमने पोटेंशियल, क्या हमारा डेरिवेशन था, यू इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर, यही था फॉर्मूला। माइनस साइन यहां था तो माइनस साइन का सिग्निफिकेंस मैं समझा चुका हूं क्या होता है, तो इसलिए मैं यहां से माइनस हटा के अगर मैग्नीट्यूड में लिखना चाहूं तो यही होगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, माइनस साइन का सिग्निफिकेंस आप समझ चुके हैं क्या होता है। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके लिए है जो आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में किया हुआ है, पहला क्वेश्चन आपके लिए है क्या कि मान लीजिए मेरे पास ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, है ना, जिसका साइड ए है, साइड ए ले लेते हैं, यहां पे Q1 ये दिया, Q2 और ये ले लिया हमने Q3, और अभी क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द इंट्रैक्शन एनर्जी, इंट्रैक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम या अरेंजमेंट जो भी है, इसका आपको इंट्रैक्शन एनर्जी निकालना है। तो आप लोग पहले इसको पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, सब सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम इसके आगे चलेंगे। ठीक है फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे, तो चलिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, आप पॉज करके करेंगे इसको, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। ठीक है पहला चीज क्या देखिए कि भाई सॉल्यूशन हम जो कर रहे हैं तो इसमें क्या है हमारे पास कि ये सिस्टम है राइट, और यहां पे Q1 ये इन्फिनिटी है, यहां से हम चार्जेस लेके आएंगे Q1 Q2 Q3, हमने पहले ही पढ़ रखा है कि इन्फिनिटी पे चार्जेस रहेंगे, तो सबसे पहले मैं Q1 को उठा के लाया, मैंने Q1 को यहां रख दिया। ठीक है तो Q1 को लाने में मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा, W1 मान लेते हैं, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा W1 प्लस, अभी Q2 को उठाया यहां रख दिया तो W2 प्लस, अभी Q3 को लिया और यहां रख दिया तो प्लस Q3, आई मीन सॉरी W3, यही होगा कि नहीं होगा। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं क्लियरिटी के लिए, बाकी के आगे क्वेश्चंस में ऐसा डायरेक्ट ही कर लिया जाएगा। अब हम देख जानते हैं कि भाई वर्क डन ये जो मेरा है वो तो जीरो है, क्योंकि इसको लाने में तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा, तो वर्क डन वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W1 इज इक्वल टू जीरो। W2 के लिए बात करें तो अभी देखिए अभी ये चार्ज नहीं है, सिर्फ ये वाला चार्ज है, तो इसको हटा देते हैं अभी, तो क्या हो जाएगा, अभी जब मैं लेके आऊंगा तो मेरा सिस्टम कैसा बन रहा है, क्या ये मेरा सिस्टम बन रहा है यहां पे देखिए, तो फॉर्मूला हम जानते हैं k q1 q2 by r square magnitude, sorry, k q1 q2 by r, तो क्या हो जाएगा, w2 equal to k, k का वैल्यू 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r का वैल्यू यहां पे कितना है a, तो a, समझ गए इस बात को। और तीसरा क्या, w3 is equal to कितना हो जाएगा, अब जब मैं q3 जब लेके आऊंगा तो एक सिस्टम ये बनेगा और एक सिस्टम ये बनेगा, टू चार्जेस का सिस्टम कितना बनेगा, यही तो बनेगा, और हमने सिस्टम ऑफ टू चार्ज की बात करी है आज पूरी की पूरी, तो भाई एक तो ये सिस्टम बनेगा दूसरा ये सिस्टम बनेगा, तो इन दोनों का चार्ज कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, वर्क डन 3 इज इक्वल टू भाई 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q3 q1 q3 बाय साइड कितना a प्लस, और ये कौन सा होगा फिर से हमारा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q2 q3 q2 q3 बाय a, और अब इस तीनों को आप ऐड कर दीजिए तो वर्क डन इक्वल टू तीनों का मेरा समेशन हो जाएगा, तो नेट वर्क डन W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो प्लस, चलिए k लिख देते हैं पहले, जीरो प्लस k q1 q2 by a प्लस k फिर W3 का k q1 q2 देखिए q1 q3 q1 q3 by a प्लस k q2 q3 by a, दिस इज द नेट इंट्रैक्शन एनर्जी ऑफ द
सिस्टम, ये हमारे सिस्टम का नेट इंटरेक्शन एनर्जी है। अगर आप इसमें से वो कॉमन सॉमन लीजिए उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अगर वैल्यूज गिवन होगा चार्जेस का तो हम कैलकुलेट कर लेंगे यहां से। समझ में आ गया ये चीज कैसे होगा, कोई कंफ्यूजन इस बात में? चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर से मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चंस को पहले पॉज करके सेल्फ सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक स्क्वायर है। क्या है, मान लेते हैं एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे मान लीजिए ऐसा है। ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे सब लोग। मान लेते हैं ये मेरा एक स्क्वायर प्लेन है, दिख नहीं रहा स्क्वायर जैसा ना, नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, फिर से बनाते हैं। कहेंगे सर रॉम्बस जैसा, तो रॉम्बस जैसा ही बनाएंगे क्योंकि प्लेन में बना रहे हैं ना। तो ये हमारा स्क्वायर है मान लेते हैं, ठीक है अभी, ठीक है मान लेते हैं। साइड ए मान लीजिए, साइड क्या है इसका, ए है। और क्या है, ये स्क्वायर है। क्या है मेरा, ये स्क्वायर। फोर चार्जेज ऑफ, फोर चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर केप्ट ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ साइड ए। साइड ए मान लिया इसका, ठीक। अच्छा यहां पे चार चार्जेस रख दें, क्यू, यहां भी क्या है क्यू, यहां भी क्या है क्यू, और यहां भी कौन है क्यू। अब यहां से एच हाइट पर, ध्यान से ये एच हाइट पर, इसके सेंटर से, बिल्कुल इसके सेंटर से बात कर रहे हैं हम लोग, इसके सेंटर से एच हाइट पर, मैं अब यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं, एट हाइट एच फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्वायर अ चार्ज, कौन सा ले ले, माइनस क्यू ले ले। चलिए तो माइनस क्यू ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, प्लस क्यू भी ले सकते हैं, माइनस क्यू, इट्स योर चॉइस। मैं माइनस क्यू ले लेता हूं एक बार। अ चार्ज माइनस क्यू इज कैप्ट, माइनस क्यू इज कैप्ट, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज when it passes the center, मतलब क्या हुआ, consider gravity is present। समझिए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन समझ में आ गया, बन गया। यहां पर देखिए मेरे पास एक स्क्वायर है, ये ऐसा स्क्वायर मान लेते हैं, क्या ये मान लीजिए एक स्क्वायर है मेरे पास, ठीक है। यहां भी चार्ज है, यहां भी चार्ज, यहां भी चार्ज, यहां भी चार्ज, ठीक है। और एक चार्ज यहां रखा हुआ है एच हाइट पे, दिख रहा है आपको एच हाइट पे, और ये चार्ज यहां पे रखा है, तो ऑब्वियसली देखिए माइनस चार्ज है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये और ग्रेविटी भी है, दोनों की वजह से क्या करेगा, नीचे आएगा। ग्रेविटी भी तो है, कंसिडर द ग्रेविटी, ग्रेविटी भी, चार्ज नीचे की तरफ आएगा। मास मान लेते हैं इसका कितना, एम, मास ऑफ द चार्ज इज क्यू, चार्ज क्यू एंड मास एम इज कैप्ट, ठीक है, इन सबका मास एम मान लिया है। तो जब ये यहां से गिरेगा, तो ये जब सेंटर को क्रॉस करेगा, यहां से सेंटर क्रॉस करेगा ना, ऐसे गिरेगा, तो जब ये इसको क्रॉस कर रहा होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस वक्त हमारा चार्ज का जो वेलोसिटी है वो कितना होगा, ये अपने को बताना है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? चलिए पहले इसको आप पॉज करके करने का कोशिश करेंगे। मैं हिंट दे दूं, आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में सोचिएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो आपने पढ़ा है क्लास 11th में, उस कंसेप्ट से सोच के इसको करने की कोशिश कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इस तरीके से करने की कोशिश कीजिए। इसको कर रहे हैं आप लोग, कोशिश कर रहे हैं पॉज करके, आई होप कि आप लोग पॉज करके कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं आप सॉल्यूशन करने वाला हूं, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूं, पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, ओके। अब मैं सॉल्व करता हूं। अच्छा ये सिस्टम रिजिड है, ये मान लेना है, ये जो सिस्टम है ना, ये रिजिड सिस्टम है। कैसा है हमारा, ये रिजिड सिस्टम है, ठीक है, मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन पे क्या कहता है क्वेश्चन, क्या करना है सॉल्यूशन में, कुछ नहीं, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी करना है, सीधी सी बात, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू, या चलिए इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू
फाइनल एनर्जी, इसी से काम बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, कैसे बनेगा देखिए। सिस्टम का इनिशियल एनर्जी बोलिए क्या होगा, पहले तो सिस्टम का इनिशियल एनर्जी निकालें क्या क्या होगा। तो देखिए भाई, यहां से देखिए, यहां से ये मैंने सेंटर बोला है, ध्यान से समझिए, ये हमने बोला है सेंटर। तो देखिए ये जो चार्ज है इसका ये डिस्टेंस दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको ये डिस्टेंस, और यहां से हाइट देखिए, ये चार्ज, ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन और ये चार्ज h, ये डिस्टेंस कितना है इसके बीच का, ये हाइपोटेनियस हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान से, इस चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना हुआ, हाइपोटेनियस हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इसके सेंटर पे यहां रखा हुआ है, ध्यान से समझिए, सेंटर पे यहां रखा हुआ है, तो ये है कि नहीं है डिस्टेंस इसका, ये है कि नहीं डिस्टेंस इसका, ये है कि नहीं डिस्टेंस इसका, ये है कि नहीं डिस्टेंस इसका, हर चार्ज का, और हर चार्ज का डिस्टेंस तो सेम ही होगा मेरा, हर चार्ज से क्योंकि सेंटर पे रखा हुआ है, तो यहां से क्या होगा, यहां से जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये होगा, वही डिस्टेंस ये होगा और वही डिस्टेंस ये होगा, और ये क्या है, डायगोनल है, और डायगोनल किसका, ये तो h, और ये वाला कितना होगा हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और ये कितना होता है भाई, ये कितना होगा हमारा, क्योंकि डायगोनल होता है ना ये, तो डायगोनल कितना होता है, स्क्वायर का डायगोनल रूट टू ए, राइट, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, रूट टू ए, है ना, तो रूट टू ए स्क्वायर का डायगोनल उसका आधा कितना हो जाएगा, रूट टू बाई टू ए, कितना हो जाएगा हमारा ये, रूट टू बाई टू ए। इसके बाद क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ रूट टू बाई टू ए, तो क्या रूट, इस टू को मैं क्या रूट टू इंटू रूट टू लिख सकता हूँ, ये कैंसिल, तो ए बाई रूट टू हमारा क्या हो गया, ए बाई रूट टू इज द हाफ डायगोनल, ए बाई रूट टू क्या होता है हमारा, हाफ डायगोनल, तो मैं इसको क्या लिख दूं, ए बाई रूट टू ऑफ ए बाई रूट टू, ठीक है ये चीज। अच्छा अब अगर इनिशियल एनर्जी मैं लिखूं यहां पे, मैं यहां पे लिख रहा हूं इनिशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, देखिएगा ई इनिशियल इज इक्वल टू, तो क्या क्या होगा मेरे पास, के, तो के Q1 कितना है, Q2 कितना है, माइनस Q है, तो ये माइनस Q हो जाएगा, ध्यान रखिएगा माइनस Q है ना, तो माइनस Q स्क्वायर हो गया ये, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर, कितना है मेरे पास, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई, दिस वन एंड दिस वन, तो ये कितना h और ये कितना a by root 2, तो ये डायगोनल कितना होगा, h square plus a by root 2 का होल स्क्वायर, यही होता है अंडर रूट में, तो क्या जा रहा मेरे पास, अंडर रूट ऑफ h square plus a by root 2 का होल स्क्वायर, नहीं आया समझ में ये चीज, क्या किया मैंने, ये इस चार्ज की वजह से है, क्या ऐसा ही पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा, क्या ऐसा भी इन दोनों चार्ज के सिस्टम का भी होगा, और क्या यही इसके भी इसका भी होगा, नहीं आया समझ में, फिर से देखिए, ये मेरे पास ऐसा था और यहां पे मेरा चार्ज रखा हुआ है, तो इसका ये रिलेशन इसके साथ चारों के साथ है ना हमारा, ये तो ये जो पोटेंशियल हमने निकाला है एक के साथ, वही इसके साथ, वही इसके साथ, वही इसके साथ, क्योंकि ये सेंटर के ऊपर में रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एनर्जी मिल गया इसका, चारों पोटेंशियल एनर्जी चारों सिस्टम का, किस किस की वजह से, इन दोनों का एनर्जी प्लस इन दोनों का एनर्जी प्लस इन दोनों का एनर्जी प्लस इन दोनों का एनर्जी, यही होगा हमारा, समझ में आ गया। अब चूंकि क्वेश्चन ये हो गया हमारा एनर्जी ना सिस्टम का, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली, नहीं अभी ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि कंसिडर द ग्रेविटी, ग्रेविटी को भी कंसिडर करना है, तो ग्रेविटी को भी कंसिडर करेंगे तो प्लस, और ग्रेविटी कितना mgh, ग्रेविटी कितना mgh, तो भाई mgh ये इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, बिल्कुल सही है। अब एनर्जी फाइनल निकाल लीजिए, अब फाइनल एनर्जी निकालते हैं, देखिए एनर्जी फाइनल क्या होगा, फाइनली ये चार्ज यहां सेंटर पे आ गया, फाइनली ये चार्ज यहां सेंटर पे आ जाएगा, तो जब ये सेंटर पे आएगा तो mgh तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए और दूसरा क्या होगा कि अब देखिए फाइनल सिस्टम कैसा बनेगा, फाइनली ऐसा कुछ होगा कि भाई ये q, ये भी q, ये भी q, ये भी q, और यहां आ गया माइनस q सेंटर पे, यही होगा हमारा सिस्टम, तो एनर्जी इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, और इसकी वजह से, इन चारों की वजह से एनर्जी होगी, तो एनर्जी फाइनल में फिर से 4 इंटू क्या क्या होगा, देखिए 4 इंटू माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ये डिस्टेंस कितना a बाई रूट टू, a बाई रूट टू यही था ना, a बाई रूट टू, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, इंटू 4 कर दिया, क्यों, क्योंकि चारों चार्ज के लिए, प्लस mgh तो जीरो हो गया, क्योंकि जब ये यहां पहुंच जाएगा तो हाइट जीरो, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब ये यहां पहुंच जाएगा, जब ये यहां पहुंच जाएगा, यहां से यहां पहुंच गया, तो ये तो mgh तो जीरो, और h जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है ना, mg तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, तो mgh हो गया जीरो।
लेकिन जब ये यहां से गिर रहा होगा तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा और वो वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी बनाएगा। तो क्या प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होगा काइनेटिक एनर्जी में? नहीं आया समझ में ये चीज? समझ में आ गया ये चीज? चलिए, कौन कौन सा एनर्जी था? यही तो था इनिशियली सिस्टम के पास, कौन सा था? स्पेयर्स का 4 पोटेंशियल एनर्जी और 1 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फाइनली क्या क्या हुआ भाई? 4 तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और 1 कौन सा चार्ज का? काइनेटिक एनर्जी। अब नाउ भाई सॉल्व कर दीजिए, वी नो क्या होता है, वी नो वही चीज, ई फाइनल इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल। और ई इनिशियल क्या था कि भाई क्या था हमारे पास, MgH -4kq² / √h² + a / √2² क्या बन जाएगा? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस 4kq² / a / √2। ठीक है, ये चीज इसको अब आप सॉल्व करेंगे। देखिए मेरे पास एक इक्वेशन और एक वी निकालना है, मुझे वेलोसिटी तो पूछ रहा था, तो बस वी का कैलकुलेशन आप कर दीजिए, इसको इधर ले जो भी करना है सॉल्व करके आप कर सकते हैं। यहां से सॉल्वेंट कैलकुलेट ये वी निकालना था, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, दैट्स ऑल, निकल गया सब कुछ। समझे कि नहीं इस बात को? एक इक्वेशन एक ही वेरिएबल था ना यहां पे, तो हो गया हमारा। समझे कि नहीं इस चीज को, है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है, ये आपके समझ में आ गया। क्वेश्चन को पहले कॉपी करके सॉल्व करना है खुद से, ठीक है ना? चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, दो क्वेश्चन तो था मेरा, इसमें क्या चार्ज फिक्स था रखा हुआ था। अब क्या है कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो कैसा हो, मतलब क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन वाला? मान लीजिए मैंने क्या लिया कि एक रिंग ले लिया, ये मैंने एक ले लिया रिंग, और इस पे मैंने ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कंटिन्यूअसली, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा हुआ है लैम्डा, लैम्डा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसके बाद सिग्मा वॉल्यूम चार्ज, सॉरी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता था, चार्ज अपॉन लेंथ q/L, याद है ना? ये इक्वल टू q/एरिया और ये q/वॉल्यूम। ये चीज याद है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक तो क्या था, ये चार्ज रखा ही निकाल दिया। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो क्या होगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, सेम क्वेश्चन को मैं, जो सेम पिछला लास्ट क्वेश्चन किया है उसी को जरा सा कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट में। क्या है क्वेश्चन हमारा, देखिए क्वेश्चन क्या है कि कंटिन्यूअस, क्वेश्चन किसके लिए मेरा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक रिंग है, एक रिंग है, रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग पे क्या है मेरा, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए ये भी काम हो गया, अच्छी बात है। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसका रेडियस मान लेते हैं क्या, आर। रेडियस कितना है इसका हमारा, आर। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख ले कि चार्जेज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग ऑफ रेडियस आर। ठीक है, अच्छा, अनदर चार्ज -q मान लेते हैं इज हेल्ड एट द हाइट ऑफ 5r या 3r ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है ना, एट द हाइट ऑफ, चलिए 3r, एट द हाइट ऑफ 3r, मतलब यहां से, मतलब ये मेरा रिंग था, देखिए ये हमारा रिंग है और यहां से यहां पे है ना, मैं इसको जरा सा डायग्राम को फिर से बना देता हूं आपके लिए ताकि क्वेश्चन अच्छे से क्लियर रहे, है ना? ये आपको 2D का बन गया, अपने को 3D रिंग बनाना है। तो ये मान लीजिए मेरा रिंग है, रेडियस मेरा R है, और यहां से 3R के हाइट पर कितना है मेरा, ये 3R के हाइट पर यहां पे एक -q चार्ज ले लिया हमने। ठीक है, और यहां पे क्या है, ++ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, याद है ना? ठीक है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द
रिंग ऑफ द रेडियस आर, अनदर चार्ज माइनस क्यू इज हेल्ड एट द हाइट ऑफ 3R, देन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, और इसका मास कितना, m, मास कितना m, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज q, चार्ज माइनस q, when it passes the center, जब ये सेंटर को क्रॉस करेगा, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, जब ये माइनस क्यू सेंटर को क्रॉस करेगा उस वक्त में इसका पोटेंशियल, इसका काइनेटिक एनर्जी अपने को बताना है। इसमें दो पार्ट, पहले बार तो मान लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट, पार्ट ए मान लीजिए, इसमें नो ग्रेविटी, नो ग्रेविटी मतलब जी इज इक्वल टू जीरो, और बी में आप कर सकते हैं विद ग्रेविटी, विद ग्रेविटी कंसिडरिंग ग्रेविटी, दोनों से कर सकते हैं, दोनों से करके देखिए। पिछले वाला क्वेश्चन जैसा है, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन, कोई डिफरेंस नहीं है, बस क्या इसमें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है वो देखिए। चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं, पहले आप इसको पॉज करके सॉल्व करेंगे, फिर मेरे यहां सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा, अच्छा मैं यहां पर कहीं से भी छोटा सा डीएक्स पार्ट, ये छोटा सा डी क्यू ले लिया, छोटा क्योंकि हर जगह चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां dq, यहां dq, 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 बहुत सारा dq बना हुआ है। तो ये जो छोटा सा dq है, इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल सिस्टम बना लेते हैं, ये dq, ये q, एक सिस्टम बनेगा पोटेंशियल का, सिस्टम ऑफ टू चार्ज। तो क्या होगा, du इज इक्वल टू छोटा सा पोटेंशियल है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, k तो बाहर, q1, q2 कितना था, dq by r, Q1, Q2 by R, ठीक है। तो R कितना है यहां पे देखिए, दिस इज द रेडियस, दिस इज 3R, तो ये क्या हो जाएगा, 3R square plus R square, 3 3 9 R square plus 10 R square, कितना हो जाएगा ये 10 R square, यही होगा अंडर रूट में, अंडर रूट 10 R square, यही होगा, कोई कंफ्यूजन इस बात में, dQ, ठीक है। अब यहां से Q बाहर निकाल लीजिए, काम जो कॉन्स्टेंट चीजें हैं, तो du इज इक्वल टू, k भी यही लिख लीजिए, तो du इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k Q1 by under root 10 R square integration of dQ, integration of dQ, और integration of dQ मतलब क्या, total charge on the ring, integration of ये जो part आप देख रहे हैं इसका मतलब क्या, independent derivation, integration है ये, integral है, तो यहां पे इसका मतलब क्या, इसका मतलब total charge on ring, तो टोटल चार्ज ऑन रिंग कितना होता है, तो देखिए ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में चैप्टर वन में पढ़ रखा है आपने, लीनियर चार्ज डेंसिटी, बट मैं यहां लिख देता हूं, टोटल चार्ज ऑन रिंग इज इक्वल टू क्या होगा भाई, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो लीनियरली कैसा होगा मेरे पास भाई, टोटल चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी को क्या बोलते हैं, लैम्डा चार्ज अपॉन लेंथ है ना, तो टोटल देखिए लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, तो चार्ज इक्वल टू लैम्डा इनटू लेंथ, तो कितना हो जाएगा लैम्डा इनटू एल, और एल का वैल्यू कितना होगा 2 पाई आर, एल का वैल्यू 2 पाई आर, इसी को हम क्या लिखेंगे 2 पाई आर लैम्डा, 2 पाई आर लैम्डा इज द टोटल चार्ज ऑन द क्यू नेट ऑन रिंग, समझे इस बात को, टोटल चार्ज ऑन द रिंग 2 पाई आर लैम्डा, क्योंकि लैम्डा को लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है टोटल चार्ज बाय लेंथ, और लेंथ यहां पे क्या है 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, तो यहां से हमने निकाल लिया चार्ज इक्वल टू लैम्डा इनटू एल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस बात में, इसका वैल्यू हमें निकालना था अपने को, तो हमने क्या कर दिया यहां पे, ये अभी किसका निकला है, पहला निकाल रहे हैं विदाउट ग्रेविटी वाला, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा dq का भाई 2 पाई आर लैम्डा, तो लिख दीजिए यहां से u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा k q1 डिवाइड बाय अंडर रूट 10 r स्क्वायर, तो r रूट 10 इनटू 2 पाई आर, आई मीन 2 पाई आर लैम्डा, आर से आर मार दीजिए, जो भी मारना वरना है, कैंसिल कैंसिल होगा, कैंसिल कर दीजिए, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से यू इज इक्वल टू क्या बनेगा k q1 2 पाई लैम्डा बाय रूट ओवर 10। ये एनर्जी कौन सा है, ये इनिशियल एनर्जी है, क्या है मेरा ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इनिशियली ग्रेविटी जीरो है तो mgh तो होगा नहीं, ग्रेविटी जीरो है तो mgh होगा नहीं, ये इनिशियल एनर्जी होगी ऑफ द सिस्टम। और अब क्या करें फिर से, अब फाइनल निकाल लें, पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था, इसके बाद फाइनल निकाल लेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। तो चलिए फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम देखते हैं क्या होगा,
मैं यहां से रब कर रहा हूं, इन पार्ट को रब कर रहा हूं, ठीक है। फाइनली जब ये चार्ज नीचे गिरेगा तो कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी में, फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम देखिए, ये यहां आ गया तो डिस्टेंस कैसा हो गया आर, फिर से चार्जेस ऐसा ही यही प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे क्या रखना पड़ेगा, सिर्फ आर, यहां पे क्या रखना पड़ेगा, के क्यू वन डी क्यू बाई क्या करना पड़ेगा, आर सिर्फ रखेंगे यहां पे, बाकी प्रोसेस तो यही होगा। तो क्या बन जाएगा यू इक्वल टू, तो यू इक्वल टू क्या बन जाएगा, यू फाइनल इज इक्वल टू हमारा भाई क्या बन जाएगा, के क्यू वन बाई आर इंटू टू पाई आर लैम्डा, यही बनेगा कि यहां पे r, ये डिस्टेंस यहां पे कितना था, r रूट टू के हिसाब से था, यहां पे मेरे पास कैसा है, यहां पे r, क्योंकि सेंटर पे आएगा तो कैसा बनेगा, r ही तो रहेगा, r ही रहेगा ना, यहां से डिस्टेंस यहां भाई ये यहां पहुंच चुका है, डिस्टेंस r ही है, तो 2 पाई r लैम्डा, यहां तक समझ में आ गया, प्लस प्लस, अच्छा साइन माइनस है तो ध्यान रखिएगा, ये माइनस साइन है तो आई एम सॉरी माइनस रहेगा, चलिए मैं क्वेश्चन में ही प्लस कर लेता हूं, अभी तो साइन माइनस है तो ये माइनस में आएगा, साइन माइनस है तो ये भी माइनस में आएगा, चलिए रहने दीजिए माइनस ही, कोई बात नहीं, साइन माइनस है तो ये माइनस में आएगा, यहां भी क्या होगा ये माइनस में आएगा, ये भी किसमें माइनस में जाएगा, ये भी किसमें माइनस में जाएगा, चार्ज नेगेटिव है ना यहां पे, ठीक है। चलिए यहां पे और प्लस प्लस क्या, जब ये यहां फॉल कर रहा होगा फिर से इसका काइनेटिक एनर्जी होगा तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अब एनर्जी इनिशियल इक्वल टू एनर्जी फाइनल कर देंगे, अब आप सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली क्या होगा, नाउ नाउ क्या लिखिएगा, नाउ यू फाइनल मस्ट बी इक्वल टू यू इनिशियल, इसको पुट कीजिए वैल्यू, पुट वैल्यू एंड सॉल्व, पुट वैल्यू एंड सॉल्व, आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको करना है सॉल्व इसका आपको। दूसरे केस में ग्रेविटी, सेकेंड केस जो था विद ग्रेविटी, विद ग्रेविटी ये आपको सॉल्व करके क्या करना है, बस यहां पर एमजीएच भी आ जाएगा ना, और क्या, कुछ नहीं होगा, यहां पर एमजीएच भी आ जाएगा, दैट्स ऑल, और कुछ होगा क्या, नहीं होगा, और वो एमजीएच तो यहां आने पे वैसे ही जीरो हो जाना है, तो यहां पे एमजीएच आ जाएगा इनिशियल में, और कुछ भी नहीं होगा, इसको करके देखेंगे आप लोग, है ना, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे इसके साथ ही, और अगला क्वेश्चन हमारा है वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्या, एक अरेंजमेंट होता है सिंपल, तो क्या पूछा गया है जेई वगैरह में, नीट में भी पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को करते हैं, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत सिंपल क्वेश्चन, देख लीजिए क्या है, फिर आगे का बात अगली क्लास में की जाएगी। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये एक स्क्वायर है, ये सब ग्रेविटेशन में क्लास 11th में मैंने बताया है बच्चों को, और आपने भी पढ़ा होगा पहले भी, इसको बोल मान लीजिए ये साइड ए ए ए और ए, ठीक है, यहां पे क्यू, ये भी क्यू, ये भी क्यू और ये भी क्यू, ए साइड का था, इसको एक्सपेंड करने का है, क्या करने का है, इसको अपने को एक्सपेंड करके एक नया सिस्टम बनाना है, है ना, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाय एक्सटर्नल एजेंट इन एक्सपेंडिंग द सिस्टम फ्रॉम ए टू टू ए, मतलब इसको ना ऐसा बनाना है, इसको क्या करना है अपने को, इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करके कैसा बनाना है देखिए, इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, ऐसा बड़ा करने का है, तो बड़ा करके कुछ ऐसा बनाना है देखिए, इतना बड़ा स्क्वायर बनाना है जिसका साइड कैसा है टू ए, इस चार्ज को यहां पहुंचा देना है, इस चार्ज को यहां पहुंचाना है, इसको यहां पहुंचाना है, इसको यहां पहुंचाना है, ये टू ए है, समझ गए क्या करना है अपने को, फिर से कुछ नहीं करना है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी करना है हमेशा ही, क्योंकि यहां जो भी वर्क डन हो रहा है, याद रखिएगा वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, लेकिन इफ ऑनली लिख लेंगे कहीं साइड में कंजर्वेटिव फोर्सेस, आई एम सॉरी, इफ ऑनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग देन
वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल फाइनस माइनस पोटेंशियल इनिशियल, ये होता है। और यहां पे यही काम, ये काम करना है अपने को, यहां पे क्या करना है अपने को, यही काम करना है, इसको उठा के यहां लेके जाना है। अच्छा एक बात याद रखिए, मैं शायद पहले बताना इसको भूल गया, इसमें भी यही काम है वहां पे भी। जब मैं इंफिनिटी से चार्जेस को, याद है हमने शुरू में क्या था कि यहां पे Q1 को लेके आया, यहां पे Q2 को लेके आया था इंफिनिटी से r डिस्टेंस पे, तो चार्जेस विल बी ब्रॉट विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम इंफिनिटी, चार्जेस विल बी ब्रॉट विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम इंफिनिटी। इसको भी कहीं लिख दीजिए कोने में, वो लिखा था ना assumption, तीन पॉइंट्स जो लिखा था, वहां चौथा पॉइंट लिख दीजिए कि चार्जेज विल ऑलवेज, यहां नहीं दिख रहा होगा आपको, चार्जेज या सीधा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी जीरो, मींस चार्जेज विल बी ब्रॉट From infinity without any acceleration, without any change in kinetic energy or acceleration. Acceleration तो देना ही नहीं है बिल्कुल, without acceleration, ठीक है चीज, ये assumption मान के चलना है। मैं जो इस चार्ज को यहां लेके जाऊंगा, ऐसा नहीं उठा के लेके चला गया, नहीं, बहुत धीरे धीरे धीरे, ताकि इसका काइनेटिक एनर्जी नहीं बदले, देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हाइल यू आर फॉर्मिंग अ सिस्टम, देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्जेस व्हाइल यू आर स्टडिंग अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, कोई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होना चाहिए वहां पे, ठीक है ये चीज। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर से कि ये ए साइड के स्क्वायर पे था, इसको 2a पे लेके जाने का है, अपने को पोटेंशियल एनर्जी बताने का है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा टू फॉर्म द दिस सिस्टम इनटू दिस सिस्टम, ठीक है। इसको कहीं साइड में आपने लिख लिया कॉपी पे, आई होप वही जो तीन लिखवाया था ना पॉइंट्स, उसके साथ ये चौथा पॉइंट लिख दीजिए, एजम्पशन जो है, रूल्स जो है, ठीक है। चलिए अब एक बात और लिख दीजिए याद रखने के लिए कि इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये सब क्लास 11th में वर्क एनर्जी में आपने पढ़ा होगा, बस रिकॉल करना है। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेज मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये तो आपने पढ़ा होगा, इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द फाइनल पॉइंट एज वेल एंड टू द इनिशियल पॉइंट, है कि नहीं है। चलिए तो एक्सपेंशन करते हैं, पहले पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल निकालते हैं, पहले इनिशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए आज पूरी चर्चा पोटेंशियल एनर्जी पे है, पोटेंशियल पे नहीं है। तो पहले तो एक ये सिस्टम बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, चौथा ये बनेगा। तो क्या बनेगा, पहला हमारा के क्यू वन, दोनों क्यू है तो क्यू स्क्वायर बाई ए, यही बनेगा के क्यू स्क्वायर बाई ए, है कि नहीं है। अब देखिए इसका भी वही बनेगा, इसका ध्यान से देखिए, एक ये दोनों सिस्टम बना, एक ये दोनों सिस्टम बना, एक ये बना और एक ये बना, तो ये कितने बने, फोर टाइम्स। तो क्या मैं इसको इनटू फोर कर लूं, ठीक, प्लस खत्म हो गया क्या, नहीं। देखिए एक ये भी तो सिस्टम बन रहा है, ये भी तो सिस्टम बन रहा है, ये दोनों भी तो एक सिस्टम बना रहा है, डायगोनली इनटू फोर कर दिया, और अब ये डायगोनल वाला भी लेंगे तो ये डायगोनल कितना होता है, रूट टू ए, है कि नहीं। तो ये कितना टाइम्स, टू टाइम्स, तो टू इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास, के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू ए, यही होगा क्या हमारे पास, यही होगा, समझ में आया कि नहीं आया चीज। तो ये इनिशियल एनर्जी है, ये क्या है हमारा, ये इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब फाइनल एनर्जी निकाल लीजिए, फाइनल एनर्जी क्या होगा, देखिए फाइनल एनर्जी क्या होगा, अब ये एक्सपेंड कर दिया विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी, एक्सपेंड करना है विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एक्सपेंड करना है। मैं पहले ही बोल रहा हूं, फिर से याद रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में जो भी काम करेंगे, देयर विल नॉट बी एनी एक्सेलरेशन, है ना, विदाउट एक्सेलरेशन चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है, ठीक है। तो यहां से दूसरे पॉइंट पे ले गए, साइड ऐसा हो गया 2a, अगेन 4 इनटू k q स्क्वायर बाय 2a हो जाएगा, ये इसके बदले चार वाले जो है, प्लस फिर से क्या डायगोनल, तो डायगोनल कितना हो जाएगा भाई, रूट टू ए होता है
तो अभी साइड कितना है, रूट टू ए, तो रूट टू इंटू टू ए, तो टू रूट टू ए, तो क्या हो जाएगा यहां से प्लस टू इंटू, बोलिए क्या क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू इंटू टू ए, यही होगा फाइनल एनर्जी। बस अभी क्या करना था अपने को यहां पे सिस्टम का सॉरी फाइंड द टोटल फाइंड द वर्क डन इन एक्सपेंडिंग द सिस्टम। सो वर्क डन इज इक्वल टू, सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या बोला अभी, वर्क डन इज इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब इसको इजी या वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। अब आप इसको इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, फाइनल ये रहा इनिशियल ये रहा, और सॉल्व कर दीजिए। बात समझ में क्या करना है, याद रखिएगा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो सिस्टम अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो तो पहला चीज जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो पोटेंशियल एनर्जी की बात आनी चाहिए, है ना। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं तो आपको पहला बात जो आपके दिमाग में आने वाली चीज है वो है क्या, कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में, समझ रहे हैं। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हमारा क्या होता है, वर्क डन होता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। समझे कि नहीं समझे इस बात को। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं कि ये सिस्टम चेंज करना है, ये सिस्टम चेंज करना है, ऐसा कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहां जाकर आप इस काम को कीजिए, और इससे आगे की चर्चा हमारे अगले क्लास में की जाएगी। और अभी पोटेंशियल तो चलता रहेगा आराम से, तो अगले दिन हम लोग पोटेंशियल के बारे में चर्चा करेंगे। आज का पूरा चर्चा सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था, पोटेंशियल नहीं था। कल हम लोग पोटेंशियल पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मजे में रहिए, सब खुश रहिए, हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। चलिए बाय, थैंक यू।